एक सी एस पी। एस पी एक्स पे क्या होता और सी एस पे क्या होता छोड़ दो, कंट्रोल होते हैं एस पी एक्स पे, प्रोग्रामिंग बोलो कहाँ होती है सी एस पी, सारा छोड़ दिया। बस एक चीज याद रखो, इतना छोड़ने के बाद यहाँ क्लास वो नहीं छोड़ सकते, और क्लास का नाम क्या बोलो डिफॉल्ट। अब इसका बेस क्लास है तो डेफिनेटली पीएससी का सपोर्ट है, इवेंट का सपोर्ट है, बोलो कौन है डेलीगेट है, उसको भी छोड़ दो, पीएससी भी छोड़ दो, साइट क्रिएट हुई आईएस पे मैप हुआ सिस को भी छोड़ दो, बचा गया पकड़ने को एएसपीएक्स सोचो और सीएस सोचो, एएसपीएक्स भी छोड़ दो। अब सीएस का सोचा बेस क्लास भी छोड़ दी मैंने कि नो इवेंट नो पीएलसी, अरे बोल रहा है इंटरनेट को मॉडेम को ऑफ करेगा ऑन करेगा, ऑन करिए आप ठीक है। ये है मैंने कहा हम दिमाग लगा जब पीएससी बात करेगा सरदार जी टेम्परेचर कंट्रोल क्लास की कंट्रोल की बात इनहेरिटेंस की बात करेंगे, टिकट का प्रोग्राम इवेंट का प्रोग्राम याद होना चाहिए, फिजिकल साइकिल की बात करें तो सिस कहाँ होती है पता होना चाहिए, सिस करते क्या है, पर किस्मत पूरी खराब थी बंदे ने पूछ दिया वेबसाइट और वेबिनिक में डिफरेंस क्या है, सेशन पूछा ना एप्लीकेशन पूछा ना प्रोफाइल पूछा ना कुकीज पूछा ना व्यू स्टेट पूछा ना रिटर्न कनेक्टिविटी पूछी। उसने कहा यह एक फंक्शन क्यों हमें तो कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, अरे बोलिए ये मेरी क्लास हो कल बालक पूरी प्रैक्टिस कर रहा ना प्रोसीजर कर, ट्रिगर वही कर सकता है जिसकी काफी अच्छी पकड़ है, बोलो कहां पे स्टोर्ड प्रोसीजर, आप बैठ के 15-16 प्रोग्राम किसके बनाना बैठ के आ सकते स्टोर्ड प्रोसीजर वही कर सकता है, तो जिस बंदे को प्रोसीजर अगर उसके आधे घंटे का भी ट्रिगर नहीं। चल हमने सेकंड क्लास एसपीएस को भी छोड़ दिया, ये क्वेश्चन क्लास है मेरा और ये काम वेब एप्लीकेशन से हो रहा था वेबसाइट से नहीं हो रहा था, अभी देख लो बोल रहा ये पढ़ाया जाता है मैंने दोनों बैच में पढ़ाया दोनों बैच में, यहां पे एक एसपी एक्सपीएस में क्या है बटन है क्लिक करा यहां बोलो कौन आ गया, अरे बोलो कौन आ गया, ये फंक्शन आ गया इवेंट के द्वारा डेलीगेट के द्वारा प्राइवेट प्रोवाइड बटन वन क्लिक, उस डेलीगेट के दो आर्गुमेंट हैं ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन है बताया ना इवेंट पी आर जी एस ठीक है, पूरा
भैया जब जब बता दें इस हैंडल फैक्ट्री ग्लास कॉल्स कंपाइलेशन फेज और कंपाइलेशन फेज के लिए कॉल करता है सिस्टम दिस ग्लास कॉल्स कंपाइलेशन फेज टू कंपाइल देन and object of what of that क्या देखा अगर अंकल ये क्लास अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे होती बच्चा भी कर देता सीएससी फाइल का नाम डॉट लाखों बार कराया आपको मैंने सीएससी फाइल का नाम डॉट सीएस और क्लास का बोल क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करते हैं अंकल दिक्कत क्या है ये जब कंपाइलर है सी एस सी ये ऑन ही चलती है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और आप बोल तो मैं सीख रहा हूँ एसपी डॉट नेट अगर आप सीख रहे हो एसपी डॉट नेट ए एस पी एक्स प्लस सी एस ए सी एस ये पढ़ी आई एस के ऊपर ठीक है और जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत कुछ होता है छोड़ दो उसको कल देखेंगे 12 बजे बहुत कुछ होता है जब रिक्वेस्ट करा बाद में सब सारी बातें खत्म हो गई सिर्फ आया ड्रामा हुआ सब खत्म बातें खत्म जब रिक्वेस्ट का सब कुछ खत्म हो गया ये हैंडलर क्या करता एक नेम स्पेस को कॉल करता नेम स्पेस क्या करता उस स्पेस को कंपाइल करता और कंपाइल होने के बाद क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाता है आप मेरी क्लास याद करो फ्रेमवर्क की हमने क्या पढ़ाया था पहली क्लास में या दूसरी क्लास में आप एक फाइल लो इसे कंपाइल करो असेंबली बने किसी को रिवाइज करना है डॉट नेट का फ्रेमवर्क हमें पहली क्लास सुबह शुरू हो रही है 8:30 कल के लिए केवल बाद पैकिंग चेंज कर लेंगे आपको करना मस्ट है तो कल झंडा वाली क्लास सुबह नहीं होगी बस कल के लिए रखा 8:30 बाद में बैच लगा 10 बजे ट्यूजडे मेरी बैच नहीं होती है तो ट्रेनिंग मेरी खत्म हो गई बीटीएस कमीशन की थर्सडे बैच नहीं होती है तो 10 से 12 शुरू हो रहा है बोलो कौन तो ऑडिट की पेइंग वर्क बेसिक बैच तो रिवाइज करना कर लो तो मैंने बच्चे जब आए थे जनरल छोटी के महीने में यही पढ़ाया था कि आप एक सोर्स कोड लो कंपाइल करो और कंपाइल करने के लिए सी एस सी लो या डी बी सी लो और कंपाइल के बाद जो फाइल बनेगी या तो डी एल एल होगी और डी एक्स उसके बाद तुम क्या करो क्लास का बोलो क्या बनाओ ऑब्जेक्ट और जब रन करोगे तो सी एस सी आर फॉर रेफरेंस कॉपी बोल के देखो एक और बनेगा सी एस उस सी एस में आप क्या करो उस क्लास के बोल क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट और फंक्शन कॉल करो और जब कंपाइल करोगे तो रेफरेंस बोल तो बेटे इसमें अंकल ये हुआ कि मैंने ही कोड लिखी सुनो मैंने ही कोड लिखी मैंने हार्ड डिस्क में सेव किया और मैंने क्या करा बोलो कंपाइल करा अरे बोलो यार सब कुछ मैंने करा बट ये क्या है बेटा आर्किटेक्चर ऑफ ए एस पी जाने वगैरह ये क्या है आर्किटेक्चर ऑफ ए एस पी डॉट नेट है इसमें क्या हो रहा है आप अंदर में करते जो कर रहे हैं मैं इसको बोल रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है आप जब रिक्वेस्ट करोगे तब बोलो क्या होगा कंपाइल होगा देखो कितना मजेदार चीज है फ्रेमवर्क की आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर ऑफ ए एस पी डॉट नेट नहीं पूछा पीएलसी ना पूछा एप्लीकेशन ऑफ साइकिल ना पूछा स्टेट मैनेजमेंट रिकॉर्ड कैसे सेव करोगे ना पूछा अब वो जावास्क्रिप्ट आती है ठीक से जी जावास्क्रिप्ट ग्रह सकता नहीं जावास्क्रिप्ट है थर्सडे मैं खुद कराऊंगा 12 बजे लिख लो कॉपी में ठीक है खुद अपने से कराऊंगा जावास्क्रिप्ट ज्यादा पूछने आते हैं इंटरव्यू ठीक है तो
यार मैं कहाँ फंस गया, क्या हो गया संदीप? यार मैं कल तक प्रोग्राम खुद लिखता था सी एस सेव करके और कमांड प्रॉम्प्ट पे आके कंपाइल करता था कमांड प्रॉम्प्ट के तरीके से। ऐसे आया एक पुरानी मेरी फोल्डर थी पिछले महीना पहले की, ये फोल्डर पर चल रहा है बैच जिसमें हजारों प्रोग्राम बन चुके हैं, सी एस सी करा ऐसे कंपाइल करा ठीक है और ऐसे रन कर लिया। तो क्या देखा अंकल, यह रिक्वेस्ट नहीं हुआ, ये रिक्वेस्ट नहीं हुआ, प्रोग्राम वहीं पड़ी है जहां हम बैठे हैं, हम वहीं उसी फोल्डर में बैठे हैं तीन से पांच में, बट यहां क्या हो रहा है अंकल, यहां क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है ऐसा। अगर मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला प्रोग्राम बोलो क्या होगा, कंपाइल होगा, जहां रिक्वेस्ट में कंपाइल होगा व्हाट आई रिक्वायर्ड एंड लर्न। मैं तुमको फोन करूंगा तू खड़ा बनाकर रखना और खाना बना के आप लोग कंपाइल है और तुम खाना निकाल भी तो मैं आ रहा हूं, तुम डोर में आ रहा हूं खाना निकाल। तो रिक्वेस्ट पे प्रोग्राम कंपाइल होगी और रन करेगी। अब तो बिल्कुल तय हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट तो खुलेगा नहीं सर्वर पे, और बोले यार रिक्वेस्ट आई सिस के पास, सिस को छोड़ दो सारी बातें करना। अब देखिए अंकल यहां पे जब आपकी रिक्वेस्ट का सारा ड्रामा हो गया, लास्ट में कौन आया, पेस हैंडलर फैक्ट्री, उसने इस समय स्पेस को कॉल करा और इस वाले को कंपाइल करा, पहले वाले को कहां पे, वेब एप्लीकेशन। अरे बोलो यार ये वेब एप्लीकेशन को भी छोड़ दो, ये वेब पेज कंपाइल कैसे होता है भाई, सिस्टम डॉट वेब डॉट कंपाइलेशन इन स्पेस, उसे कॉल कौन करता है बोलो, हैंड लर्न, उसके बदले क्या बनाता है बोलो, ऑब्जेक्ट। ये हमने लास्ट टाइम कहा था, आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो यहां देख लो, मतलब बेटे अगर मैं पांच बार रिक्वेस्ट करूं पांच डिफरेंट वेब पेज को तो पांचों में कौन कॉल होगा बोलो, हैंडलर कॉल होगा, हैंडलर वो कंपाइल कर देगा। एक बार कंपाइल हो गई मतलब डीएल बन गया, अब उसी पेज को दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तो भी कंपाइल नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, डीएल पहले बन चुकी है या तो फेमस वाली क्लास। अब देखिए इस महामंत्र की बात सुनता हूं, वहां भी वो दिखा चुके हैं, शायद हम दिखा चुके हैं, ये वाली क्लास क्या करेगी, वो कंपाइलेशन स्पेस कॉल करेगी और उससे डीएल में कन्वर्ट करेगी और उसका बोलो क्या बनेगा फिर ऑब्जेक्ट। मैं ये सोच रहा हूँ, सुनो मेरा क्वेश्चन, अब आज क्लास शुरू नहीं, ये सोच रहा हूँ सर ने बोला एक वेबसाइट खोलो, खोल ली, आगे बोलो सर, पहले वाले वेब पेज के क्लास में जाओ एक फंक्शन डिफाइन करो, सब कर दिया गुरु, दूसरे वाले वेब पेज पे बटन रखो, क्या रखो सर, रख दिया आगे बोलो, क्लिक करो सब कर दिया और ये वाला फंक्शन कॉल करो, हो रहा है? मैंने कहा नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा, मैं ये पूछा था परसों वाली बैच में सबसे पूछा था, और जो मेरे एक और बैच है तीन से पाँच का वहाँ भी सेम टॉपिक चल रहा है। अंकल जो काम, सुनो जो काम माइक्रोसॉफ्ट ने किया वो काम तुम क्यों नहीं करता, जो उसने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करा था ये हैंडल कॉल भी थी और हैंडल में क्या बना था बोलो, प्रोग्राम कंपाइल करा था और कंपाइल कर क्या बना था बोलो, ऑब्जेक्ट। ये काम तुम क्यों नहीं कर लेते हो अपने से, बस ये पता कर लो तुमने क्यों नहीं करा बालक, आप
दोनों को कहना है बॉस, आ जाओ ये तुम, मैं आपसे हर प्रोग्राम अफसरों प्लस के बंदे याद रखिए मार दूंगा मैं आपको। तो जो साले हमने ही नहीं करा वो किसने किया बोलो? माइक्रोसॉफ्ट ने किया। जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया वो हम कर देते। उसने किसको कॉल किया? सिस्टम डॉट वेल डॉट कंपाइलेशन। तो कोई ना कोई क्लास कॉल हुआ होगा, कोई ना कोई फंक्शन कॉल करे होंगे और उससे वो क्या बोलो वेब पेज कंपाइल हो गया। वो काम मैं भी कर लेता हूँ। अंकल इस लाइन को बच्चे कभी ना भूलें तो बेटर रहेगा। सारी हैंडलर की बातें छोड़ो, सारे लाइफ साइकिल छोड़ो, सारे स्टेट मैनेजमेंट छोड़ो, सारी पीएससी छोड़ो, बस काम की बात सुनो। तेरा वेब पेज कंपाइल कौन करता है? अगर ये नहीं बोलेंगे तो मेरे पे क्वेश्चन उठता है कि आपने लगता बच्चों को फ्रेमवर्क नहीं पढ़ाया। तो फ्रेमवर्क में सीएस कंपाइल कौन करता है बोलो? कंपाइलर। और यहाँ पे कंपाइल कौन करता है बोलो? तो ये नहीं करता जानवर, ये नहीं करता है, ये उसको कॉल करता है। रिक्वेस्ट आई इसके पास, ये है ना इधर है, ये हमारे क्या दिया है हैंडलर। अच्छा ये काम करना, ओके। रिक्वेस्ट आई इस कान के पास, कान ने क्या करा कंपाइलर? दिस कॉल्स दी, ये भूल के मत गुजारा करे, इसने कंपाइल करी। नहीं नहीं नहीं, इसने किसको कॉल किया? टू कंपाइल में। उसके बाद बोलो क्या हुआ? उसके बाद क्या बनाया उसका बोलो? अरे बोलो यार, और तुम आटा गूंद के रख दो हम रोटी बना रहे। रोटी बनाना क्या बोलो? ऑब्जेक्ट है। आटा गूंदना क्या बोलो? कंपाइलेशन। तो हैंडलर ने कॉल किया कंपाइलर को, आटा गूंद दे और गूंद के मेरे को दे दे। अब उसके बोल में क्या बना बोलो? रोटी बना दो। तो हैंडलर क्या कर रहा है? वो रोटी बना रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट बना रहा है। और जो इसके जो पीछे जो नेम स्पेस है वो क्या कर रहा है बोलो? कंपाइल कर रहा है। ये काम खुद कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं क्यों नहीं कर लूं? आया समझ में? इसको तो बेटा कभी लाइफ टाइम नहीं भूलना। या मान लो कभी इंटरव्यू में क्या आपसे पूछ दिया वो कंपाइल ASP.NET, यार मतलब मेरी बंदे ने बेइज्जती कर दी इंटरव्यू, लिटरली बेइज्जती कर दी। सर ये भी नहीं पता कि मेरा वेब पेज कंपाइल कौन कर रहा है? अब सिस्टम डॉट वेब डॉट कंपाइलेशन, वो बोलो कौन था? CSC कंपाइलर था। बोलो कौन? तो बेटे CSC कहाँ कंपाइल करेगा? कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ तू कहाँ बैठा है? सर्वर के ऊपर। अरे बोल यार, और यह रिक्वेस्ट एक चीज कंपाइल होती है। ये ध्यान रखो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम जो बैठते हैं हार्ड डिस्क में बनाते हैं फाइल और यहीं से रिक्वेस्ट करते हैं। भाई ये क्या है? रिक्वेस्ट ही तो है, पर रिक्वेस्ट कहाँ से कर रहे हैं बेटे? जहाँ हमने बनाई है। उस वाले केस में क्या हो रहा है? हम रिक्वेस्ट कहीं और से कर रहे हैं। तो एक का रिक्वेस्ट अगर किसी और के पास आएगा, आई रिक्वायर व्हाट? हैंडलर। आई कैन लिसन यू। बुला लो उसको यार, बुला लो इसका बच्चा, बुला उसको, बुला लो। आ जा बच्चा, आ जा। कहाँ यार? चली गया। सब ठीक है? कंपाइलेशन तो एक ही बार चलता होगा। बस जस्ट पे जब नहीं डालें एक, मान लो आपके साइट में 50 वेब पेज हैं, दिमाग लगा ना बेटा। मान लो मेरे एक फोल्डर में 3 CS फाइल है, 3 बार कंपाइल होगा। CSCA.CS, CSC बोलो कौन? E.CS, CSC बोलो कौन? C.CS। तो बेटा एक बार कंपाइल हो गया, अब उसका दोबारा DLL क्यों बनेगा? पर यूजर के लिए भी एक बार होगा। हाँ सर, पर वेब पेज पे तो एक बार, हर पेज पे नहीं होगा। हाँ अब सोचो ना भाई, आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा आज कुछ नहीं है, आज फ्रेमवर्क को रिवाइज करो। ये फ्रेमवर्क ही बोलो कौन एप्लीकेशन है?
मेरे पार्लियामेंट्री फोल्डर में 3 सीएस की फाइल पड़ी है, मुझे तीनों पर इकट्ठे ऐसे लिखना पड़े। ऐसा नहीं कर सकते, कहते ऐसे नहीं कर सकते, बोलना यार ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है तो चलो कॉल करते हैं इस एमएसपेस को। तो बटन के क्लिक से, बटन के क्लिक से हम खुद कंपाइल करके बोलो कि इसको पहले वाले एएसपीएस में और दूसरे क्या बनाएंगे बोलो ऑब्जेक्ट। अब तो बनाए तो फंक्शन कॉल करें। नहीं होता नेट का सहारा लेंगे। एक बात है, एक बात जब मैं वेबपेज को रिक्वेस्ट करूंगा, सुना ठीक सुनो कितना बात सुनो, बस ब्लड टेंशन हो गया मेरे। क्या हो गया सर? जब वेबपेज रिक्वेस्ट हो जाएंगी जब आप क्लिक करोगे तब वो कंपाइल होगा, ये तो लेट बाइंडिंग हो गए। अरे आप घर पहुंचोगे, ऑर्डर दोगे तब मैं खाऊंगा, ये तो लेट बाइंडिंग होगी। तो आपको मैंने क्या बोला, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे थे तो कंपाइलर ने स्पेस ने पहली वाले पेज का मतलब बना दिया कि एलएल बना दिया। यहां तो रिक्वेस्ट हम जब करेंगे किसको, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सेकंड वाले पेज को। अरे यार हम यहाँ बैठे हैं, देखो ना फिगर को, ये पहला वाला है, ये सेकंड वाला है। अरे बोलो सर। ये एंकर तो मैं रिक्वेस्ट किसको करूंगा, पहले वाले को किसको करूंगा? तमीज। हम किसको रिक्वेस्ट करेंगे? सेकंड वाले को। और बटन पे जब क्लिक करेंगे तो पहला वाला बोलो कौन होगा? कंपाइल होगा, तो लेट बाइंडिंग हो गई। बोले यार ये ऐसा मेरी बात, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेकंड को और कंपाइल किसको कर रहे हैं बोलो, और कब कर रहे हैं? रन टाइम पे। लेट बाइंडिंग हो गई। अभी इस बैच के मोस्टली बच्चे ने मुझसे क्लास कर रखा है सी शार्प का लेट बाइंडिंग, एक्टिविटी डॉट की डिस्टेंस कॉपी खोल के देख। एक क्लास का दो तरीके से बनता है ऑब्जेक्ट, एक अर्ली बाइंडिंग पे और लेट बाइंडिंग। अगर अर्ली बाइंडिंग पे करोगे तो ए स्पेस ए वन न्यू ए होगा, और लेट बाइंडिंग पे करोगे कराया कॉपी खोल के देखो किस बात में बैच में बच्चों को मैंने कराया। अगर लेट बाइंडिंग पे करोगे एक्टिवेटेड डॉट एक्टिवेटेड स्टैंड होगा, नहीं कराया? ये सुन लिया। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें वो सिंटैक्स भी फॉलो हो रहा है, ए स्पेस ए वन न्यू है। अच्छा यार तुम्हें पार्ट लगा दी बंदे ने। एक क्लास का ऑब्जेक्ट दो तरीके से बन सकता है, अर्ली बाइंडिंग से बनाएंगे ए स्पेस ए वन न्यू ए होगा, और लेट बाइंडिंग से बनाएंगे तो पूरा सिंटैक्स ही बदल जाएगा, वन न्यू ऑपरेटर होता ही नहीं, बहुत एक्टिवेटेड डॉट लेट स्टैंड होता है। देखो कॉपी लिखा हुआ, लिखा हुआ प्रोग्राम।